हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह. आप सब जानते ही हैं मुझे एंड वेलकम इन माय क्लास. तो हमारा जो अभी का टॉपिक चल रहा है पेडागॉजी का, तो वो हमारा किससे रिलेटेड चल रहा है, सेकंड पार्ट जो आपकी डिसेबिलिटीज़ हैं, हम वो सारे टॉपिक्स कवर करते हुए चल रहे हैं. तो ज़्यादा नहीं रह गया है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसीलिए ज़्यादा हाइपर होने की अब ज़रूरत नहीं है कमेंट सेशन के थ्रू कि आप बोलें कि वीडियो मिसिंग्स हैं या कुछ. तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट मेंटेन हो चुकी है. आप प्लेलिस्ट चेक करिए, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे. तो आप वन बाय वन सारी देखते हुए चलिए. उसके बाद कुछ रह जाता है तो जो मेरी MCQs वाली सीरीज़ आएगी, जिसके अंदर हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो इन टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो भी अभी तक हमने पढ़ा, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि कोई टॉपिक मिसिंग रह गया है तो मैं उसको कवर करवा दूँगी आपके साथ. ठीक है, नाउ बात करते हैं आज के हमारे क्लास के बारे में. हम डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे कि जो हमारे समाज के अंदर या हमारे इस स्कूल में या बाकी सोसाइटी के अंदर आपको डिसेबिलिटीज़ और डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, जिन बच्चों के अंदर फिजिकल, विजुअल, हियरिंग या किसी भी चीज़ का हो सकता है, तो वो डिसेबिलिटीज़ होती क्या क्या हैं, किन किन रूप में होती हैं. जैसे हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ के बारे में चर्चा करी थी कि जो शारीरिक रूप से अपंगता होती है वो दो तरह की होती है, एक लोकोमोटर और एक आपके क्रिसर प्लासी. तो वो आपका पैरालाइज था जिसको फोर्थ पार्ट में डिवाइड किया गया था, और उसके भी फर्स्ट पॉइंट के फोर्थ पार्ट में डिवाइड किया गया था, जो मैंने आई होप आपको अच्छे से समझाया हो. आज हमारा उसी के अंदर पार्ट बी यानी कि सेकंड पॉइंट करने की बारी है, जो हमारी सेंसरी इम्पायरमेंट यानी कि विजुअल, हेयरिंग एंड डेफ्थ बिल्ड होती है, डेफ्थ ब्लाइंड. ठीक है, सॉरी. तो ये जो मैंने यहाँ पे आपका फिजिकली लिखा था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है. अब विजुअल और हेयरिंग आपका दोनों इसी के अंदर आते हैं, जो आपका सेंसरी एम्पायरमेंट होता है. इसके अंदर एक और आता है डेफ्ट ब्लाइंड, यानी कि जो आपके बहरे और बच्चे होते हैं, विजुअल यानी कि जो अंधापन होता है, हेयरिंग जो जो कानों से नहीं सुनाई देता है, और डेफ्ट ब्लाइंड यानी कि जो प्रॉपर रूप से दोनों तरीके के बालक होते हैं. ठीक है, जो डेफ्ट भी होते हैं और ब्लाइंड भी होते हैं, अंधे भी होते हैं और बहरे भी होते हैं. ठीक है, वो वाले बच्चे आ जाते हैं. तो अब इन दोनों टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं विजुअल के बारे में. आज हम विजुअल के बारे में पढ़ेंगे आज की हमारी क्लास में. विजुअल और टाइम बचा तो हम हेयरिंग भी डिस्कस कर लेंगे आज ही की क्लास में. तो स्टार्ट करते हैं विजुअल के थ्रू. पहली बात, विजुअल इम्पायर्ड फॉल्स अंडर फिजिकल एंड सेंसरी डिसेबिलिटी. जो आप फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि जो आपका विजुअल एम्पायरमेंट होता है, विजुअल डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी होती है, उसको आप वो आपके फिजिकली अंडर में आता है और सेंसरी डिसेबिलिटीज़ के अंदर आता है. तो आपका पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि आपका विजुअल जो डिसेबिलिटीज आती है उसको आप सेकेंडली क्या कह सकते हो, सेंसरी डिसेबिलिटी भी आप उसको बोल सकते हो. ठीक है, और इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. जो आपकी विजुअल इम्पायरमेंट होता है, जो आपकी विजुअल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, वो टू टाइप्स में आपके लिए होती है. जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, जिनके अंधापन होता है या किसी कारणवश वो देख नहीं पाते हैं, जैसे आप भी खुद कुछ बच्चे होंगे जो स्पेक्स वगैरह यूज़ करते हैं, या कुछ बच्चे होते हैं जो प्रॉपर वे में अंधे होते हैं, तो उनको किन पार्ट्स में हम रखते हैं विजुअल के अंदर, तो वो देखते हैं. विजुअल के अंदर विजुअल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट आता है ब्लाइंडनेस, सेकंड आता है लो विजन. ब्लाइंडनेस होता है आपका मींस कंडीशन वो पर्सन हैज एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आफ्टर द बेस करेक्शन. बेस करेक्शन कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ. कुछ फॉलोइंग कंडीशन के थ्रू आपकी ब्लाइंडनेस चेक की जाती है. मीन्स देखिए, ब्लाइंडनेस में होता है पूर्ण रूप से अंधापन, जिसमें
कुछ भी देखना संभव नहीं हो पाता है, और आपका लो विज़न होता है जिसके अंदर आप देख सकते हैं लेकिन कुछ क्लियर रूप में यानी कि स्पर्श रूप में स्पष्टता से नहीं देख पाते हैं। स्पष्टता से देखने के लिए आपको या तो लेंसेज का यूज़ करना पड़ता है, स्पेक्स यूज़ करते हैं, या आपको ऑपरेशन का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके टू टाइप्स होते हैं, इनको मैं डीपली आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसके अंदर आप पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। ब्लाइंडनेस के ऊपर बात करते हैं पहले कि ब्लाइंडनेस में क्या होता है, टोटल एब्सेंस होती है आपकी विजन की, ठीक है। याद रखना फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि टोटल एब्सेंस ऑफ योर विजन, ठीक है, आपके विजन्स की यानी कि टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, ठीक है, आपका टोटल एब्सेंस होता है किसी भी दृष्टि का जो आप अपने माध्यम से देखते हुए कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है। उसके अंदर सेकेंड पॉइंट आता है आपका, इसी के अंदर मैं इसको रब कर देती हूँ, यहाँ पे हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। आपका ब्लाइंडनेस के ऊपर बात कर रहे हैं तो ब्लाइंडनेस में आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया टोटल एब्सेंस ऑफ साइट। सेकेंड पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका विजुअल एक्विटी लेस देन 3/60 और लेस देन 10/200, ठीक है, ब्रैकेट में। ये एक आपका बेस्ट आई जो आपका विजन होता है वो कितना होता है, वो आपका 3/60 या दूसरे ओर से मापा जाए तो 10/200 लेंस होता है। अगर इससे कम है तो वो आपका अंधेपन की कैटेगरी में आता है जिसके अंदर आपका टोटल एब्सेंस ऑफ साइट होता है, यानी कि आप किसी भी कारणवश कोई भी दृष्टिकोण नहीं बना पाते हैं किसी वस्तु को देखने के लिए, ठीक है। तो याद रखना 60/3 और 200/10 अगर है तो लेस देन है, इससे कम है तो आपका ब्लाइंडनेस के अंदर आ जाएगा, और इतना है या इससे ज़्यादा है तो आपका लो विज़न के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट और इसके अंदर ऐड करते हैं, थर्ड पॉइंट और आता है वो है आपका लिमिटेशन इन फील्ड ऑफ विज़न सबसेंटिंग ऑफ एंगल लेस देन 10 डिग्री। अब इसको भी ध्यान में रखना कि जो आपका डिग्री पे लेंस का एक्यूरेट दृष्टि बनती है वो लेस देन आपकी 10 डिग्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर 10 डिग्री से कम है तो मतलब आपकी ब्लाइंडनेस के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपके अंदर अंधापन किन किन कंडीशंस में आता है फर्स्ट, या क्या क्या कंडीशंस ब्लाइंडनेस के अंदर आती है। पहली चीज़ कि आपका टोटल एब्सेंस ऑफ साइट हो जाता है, किसी भी पॉइंट को या ऑब्जेक्ट को देखने वाली जो दृष्टि होती है वो पूर्ण नहीं होती है, क्यों, और आपका जो लेंसेस का जो इक्वालिटीज है वो सिर्फ 60/3 से कम होता है, 200/10 स्लैश से कम होता है, और जो आपका डिग्रीज पे एंगल बनता है आपकी साइड्स का वो 10 डिग्री से कम होता है आपकी ब्लाइंडनेस के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है आपका लो विज़न, ठीक है। अब लो विज़न पे बात करते हैं कि लो विज़न के अंदर क्या क्या पॉइंट आते हैं। सीधी सी बात है, अगर इसके अंदर लेस देन 60/3 है, 200/10 है, तो यही सारी चीज़ें क्या होंगी, उसके अंदर होंगी, लेकिन वहाँ पे लेस देन नहीं अप टू होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे लेस देन क्या है,
उस पे बात करते हैं, जो आपका लो विजन कैटेगरी है उसके अंदर आपका आता है विजुअल एक्चुअटी नॉट एक्सिस्ट, नॉट एग्जिट 18/6 लेस देन 60/18। मतलब देखिए, अब लो विजन के अंदर जो आपका पॉइंट आते हैं वो ये आता है कि जो आपका लेंसेज का विजन का, जो लेंसेज का विजन है जिस पे आप दृष्टि साधते हैं कोई भी चीज़ देखने के लिए, मैं आपको देख रही हूँ, बोर्ड को देख रही हूँ, आप भी देख रहे हैं, तो उसमें जो लो विजन के अंदर आता है ज़्यादा से ज़्यादा खींच तान के वो 10/6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना कोई कहते हैं ना कोई चीज़ ज़्यादा भी हानिकारक है और कम भी हानिकारक है, कम हो गई तो अंधा बना सकता है, ज़्यादा हो गई क्या पता आँख ही ब्लास्ट हो जाए, तो इसीलिए एक्सीड में ज़्यादा से ज़्यादा 10/6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन कम से कम में 60/20 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ था कि 60/3 से कम हो गया था तो अंधापन आ गया था, तो आप नॉर्मल विजन के लिए या लो विजन के लिए हल्का सा माइनर पॉइंट में 60/20 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें फिर अंधेपन की कंडीशन आपकी आने लगती है, ओके, क्योंकि अंधेपन की कंडीशंस में जो आपका 60/3 रखा है वो बिल्कुल आप अपनी आइज को लॉस्ट कर चुके होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आप 260/3, ठीक है, यहाँ पे क्या था 60/3 से कम होने पे, होने के कारण यहाँ पे 60/3 से लेस देन होने पे अंधापन हो गया था, तो यहाँ पे 60/20 से लेकर 60/3 के बीच रहना चाहिए आपका विजन, अगर 60/3 के से कम हुआ, लेस देन हुआ तो अंधेपन के आप शिकार हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अप टू 210 सेलिश, ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये मैंने आपको बताया इन दोनों के कंपैरेटिवल ये चीज़ होनी चाहिए अप टू तक, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से 60/20 में होनी चाहिए। अब लास्ट पॉइंट इसके अंदर सेकेंड पॉइंट जो आता है, इसमें था लेस देन 10 डिग्री पे आपका जो एंगल बनते हैं दृष्टि के वो 10 डिग्री से कम होने के कारण अंधापन आ जाता है, और लो विजन के अंदर आपका कम से कम लेस देन 40 डिग्री से लेके अप टू 10 डिग्री तक क्या है आपका विज़न एक्यूरेट हो रहता है। मतलब आपको इसके अंदर अगर इसको डिग्री कर लेना, सॉरी, ठीक है, तो इसके अंदर मतलब है कि आपको लो विज़न के अंदर जो एक्यूरेट डिग्री होना चाहिए आपका लेंसेज का, आपकी आई विज़न का, वो कितना होना चाहिए 40 डिग्री होना चाहिए नॉर्मल से लेके 10 डिग्री तक, अगर उससे कम हुआ तो आप अंधेपन के शिकार हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका विजुअल, विजुअल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ब्लाइंडनेस और लो विज़न, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप प्लीज़ नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में बाद में रिवीजन के लिए, या मेरी वीडियो को पॉज करके वापस से रिपीट कर सकते हैं, बाद में भी चेक कर सकते हैं ताकि आप प्रैक्टिस के लिए रिवीजन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की, कि जिनके अंदर लो विज़न और विजुअल इम्पेयरमेंट पाया जाता है, डिसेबिलिटी पाई जाती है, अंधापन वगैरह, उनके बालकों के अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है हैज़ द सेम एकेडमिक एबिलिटी एज देयर पीयर टेंड टू परफॉर्म पुअरली इन मैथमेटिक्स। देखिए, जिनका विज़न ठीक नहीं होगा वो अकेडमिक रिकॉर्ड में थोड़ा पीछे रह जाएगा, स्पेशली मैथमेटिक्स में, क्यों, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स को तो बच्चा सुन के समझ के और पास से पढ़ के कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, या फिर साइंस की या सोशल स्टडीज़ की, हिंदी की, आप उसको क्लासरूम में भी अपने पास रख के पढ़ सकते हैं, उसका ब्लैक बोर्ड का इतना यूज़ नहीं है, और आप घर पे भी उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैथ्स का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो ब्लैक बोर्ड का होता है, क्योंकि टीचर जो है सारे रिलेटेड सम्स जो
सॉल्व करवाती है वो किस पे करवाती है, ब्लैक बोर्ड पे। अगर बच्चे का विज़न या ब्लाइंडनेस के कारण उसमें ये डिसेबिलिटी है तो प्रॉपर तरीके से बच्चा ना देख पाएगा ना समझ पाएगा कि मैम क्या लिख रही हैं, कहाँ पे प्लस करी है, कहाँ पे माइनस करी है। अगर मैं यहाँ पे आपके साथ भी होता है ना, आपने एक मैम आपकी मैम कोई मैथ्स का सम आपको समझा रही है ब्लैक बोर्ड पे और मान लीजिए बीच में आपके फ्रेंड ने आपको उंगली कर दी कि रबर देना, पेंसिल देना, ऐसे कुछ बोल दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, दो मिनट के लिए आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो बीच का कॉन्सेप्ट आप छोड़ के जब मैं दोबारा से फोकस करूँगी देन मैम वो वाली लाइन को पढ़ा चुकी होती हैं और नेक्स्ट लाइन पर आ जाती हैं, उसके आगे का सोल्यूशन बता रही होती हैं। तो आप सोचेंगे यार ये कैसे आया, ये तो मुझे पता ही नहीं चला, अब मैम आगे बढ़ गई, तो आप दोबारा बोलोगे मैम प्लीज़ एक बार और समझा दो, तो मैम दोबारा से प्रॉपर वे में आपको समझा दे। तो सबसे ज़्यादा मैथ्स में क्या है, ब्लैक बोर्ड का यूज़ होता है। अगर एक भी पॉइंट स्किप हुआ वहाँ पे आपका, आपकी विजुअल के कारण या फिर कोई भी डिस्टर्बेंस के कारण, तो वहाँ पे आप मैथ्स में अच्छा अचीव नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो इसका एक करेक्टरिस्टिक्स ये है कि बच्चे बहुत पुअरली परफॉर्म करते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। उसके बाद आता है holds hand in awkward position, holds object in purely position to look at them, conceitedly asks neighbor to tell him her what is going on। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन इन बच्चों के साथ होती है विजुअल पॉइंट्स में, हो सकता है कि सामने आने वाला व्यक्ति किसी को कोई अंधा बालक है और कोई आपसे बोल रहा है कि हेलो माय नेम इज़ खान, माय नेम इज़ श्रुति या जो भी है, तो कोई अंधा है तो वो कैसे हेलो करेगा, उसको पता ही नहीं है। तो वहाँ पे आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर आपको हेल्प कराएंगे कोऑर्डिनेट करने में और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। आप कहीं पे जा रहे हो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है, आप मेट्रोज में देखते हो, ऑटोज या बसेस में देखते हो कि जो अंधेपन जो बालक होते हैं या व्यक्ति होते हैं तो उनका सपोर्ट करके कोई अन्य व्यक्ति उनके साथ होता है, उनको आके सीट पे बिठा के जाता है, देन जाता है, देन वो जब बाहर निकलते हैं तो दूसरा व्यक्ति उनको वहाँ पे रिसीव करता है, देन उनको स्टेशन तक पहुँचाता है, आप उनको रास्ते में सपोर्ट करते हैं, उनको पकड़ के रोड क्रॉस कराते हैं। तो ये सारी वहाँ पे जिनकी विजुअल एबिलिटी डिसऑर्डर होती है वहाँ पे ये वाला पॉइंट भी देखने को मिलता है। उसके बाद एग्जिबिट्स पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट, उनका जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो काफ़ी लूज होता है विजुअल इम्पैर्ड बच्चों का, जो क्योंकि उनके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप नहीं हो पाता है, क्योंकि वो किसी ना किसी रूप में दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड होते हैं। अब उनको चलना है, रास्ता खोजना है या खुद चलने की कोशिश भी कर रहे हैं तो आकर आपकी कोई हेल्प कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ होने लगता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते किसी भी चीज़ में, क्योंकि वहाँ पर जब आपको अन्य पर्सन के द्वारा सहयोग मिलने लगता है या बाकी चीज़ें, तो वहाँ पर आपका भी एक तरह से खुद के लिए कॉन्फिडेंस आपका लूज होता है। लेस इफेक्टिव यूज गेस्चर्स, वहां पे क्या होता है जो विजुअली इम्पैर्ड बच्चे होते हैं वहाँ पर आप क्या है, उनके गेस्चर्स भी प्रॉपर नहीं आते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई खड़ा है और वो बहुत खुश वाली फीलिंग आपके साथ शो कर रहा है कि आई एम सो हैप्पी, आज ये हुआ, आज वो हुआ, उसके एक्सप्रेशन तो कितने अच्छे, उसके गेस्चर्स कितने अच्छे हैं, लेकिन आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन रहता है, गेस्चर रहता है, आप बिल्कुल नॉर्मल एक ऐसे स्टिल रहते हैं, बस आप इतना करोगे ओके क्या बात थी बताओ, तो वो सारी सिचुएशंस क्या होंगी वहाँ पे आपके एक प्रॉपर गेस्चर्स नहीं आ पाते, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिकली नहीं देख पाते हो, फील नहीं कर पाते हो, तो इसीलिए आपके फेस के भी एक्सप्रेशंस और गेस्चर्स क्या है, चेंज नहीं हो पाते हैं, ठीक है। यूजेस लेस ऑफ लिप्स मूवमेंट एंड आर्टिकल साउंड्स, रब आई एग्जीक्यूटिव्स, इसमें क्या होता है कि ऐसे बच्चे बार बार क्या है अपनी आईज को ज़्यादा रब कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो आपके लिप्स मूवमेंट्स होती हैं, जो साउंड्स होती हैं, वो थोड़े फड़फड़ा रहे होते हैं, काफ़ी कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, ठीक है। हैज़ डिफ़िकल्टी इन रीडिंग और वर्क रिक्वायर्ड क्लोज टू यूज़ आइस, वो अगर कुछ जिनका लो विज़न है वो थोड़ा जो भी रीड करना चाहते हैं कुछ, तो उसको थोड़ा पास ला के पढ़ने के लिए ट्राई करते हैं। जिनका दूर की दृष्टि कमज़ोर होती है वो थोड़ा स्पेक्स का यूज़ करते हैं, तो ये सारी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। उसके बाद आई ईचिंग एंड बर्न, उनकी आँखों में जलन होती है, बर्न होते हैं।
इसमें लास्ट पॉइंट आता है आपका डिफिकल्टी इन ओरिएंटेशन एंड डिफिकल्टी एंड ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन. देखिए लास्ट में क्या होता है कि जो आपका विजुअल इम्पायर्ड होता है या विजुअल डिसेबिलिटीज़ होती हैं जिन बच्चे के अंदर, उनके जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिसक्वालिटीज़ रह जाती है या डिफ़िकल्टी होती है उन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने में, समझने में, ये सारी चीज़ होती है. आपने भी कभी देखा होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ही ले लेते हैं, यहाँ पे मेरी आई साइट थोड़ी वीक है, तो कभी कभी जैसे हमारे रिकॉर्डिंग्स में जो मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, तो यहाँ पे जैसे कोई बंदा नहीं होता है रिकॉर्डिंग के लिए, तो अगर मैं कैमरा अपनी साइड करके रिकॉर्डिंग भी करती हूँ तो मैं खुद को भी नहीं देख पाती हूँ. मेरी आई साइड इतनी वीक है कि मुझे कैमरा में सिर्फ ये पता चलता है कि हाँ कुछ इमेज सी आ रही है, लेकिन मैं खुद को भी प्रॉपर वे में नहीं देख पाती हूँ, इतनी क्लैरिटी नहीं होती है. ठीक है, अपने घर के सामने जैसे मॉल्स वगैरह होते हैं तो मॉल्स दिखाई देते हैं कि साइज़ में इतना बड़ा है, ये चीज़ है, लेकिन उसके ऊपर वर्डिंग्स और उसके नाम समझ नहीं आते, पता नहीं चलता कि क्या नाम लिखा है. बसेस जा रही हैं तो उनकी गाड़ीज़ का नंबर नहीं देख पाते हैं. तो ये लो विज़न के कारण होता है कि जिनके बच्चों के लो विज़न्स होती हैं तो वहाँ पर क्या है, हम ये सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में नहीं देख पाते हैं. ठीक है, ये हो गया आपका विजुअल इम्पैक्ट का जो था आपका डिसेबिलिटीज़ का. ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, एज अ टीचर आपको किन किन तकलीफ़ों को बच्चों की दूर करते हुए टीचिंग करानी है. ठीक है, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है कि बच्चों को क्या डिफ़िकल्टी होती है. फर्स्ट डिफ़िकल्टी इन लर्निंग व्हेन लॉन्ग पैसेजेस आर रीड एंड फ्रॉम विजुअल इम्पैक्ट. ठीक है, बच्चों को लर्निंग करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है, जैसे लॉन्ग पैसेजेस वगैरह होते हैं उनको बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं. तो आप ट्राई कीजिए एज अ टीचर कि बच्चों को ज़्यादा लॉन्ग पैसेजेस और पढ़ने वाली चीज़ थोड़ी कम दी जाए उनके लिए. ज़्यादातर आप वैसे कन्वर्सेशन करें या फिर वार्तालाप के द्वारा, डिस्कशन के द्वारा ऐसे पॉइंट्स रखें ताकि बच्चे इजी वे में समझ सके और अपना ग्रुपिंग करते हुए कुछ भी लर्निंग कर सके. तो आप ऐसे मत कीजिए कि उनको पढ़ने की ज़्यादा वैरायटी आप अवेलेबल करा रहे हो. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है टेकिंग मोर टाइम टू इंटरप्रेट मीनिंग एज रीडिंग ऑन ब्रेन लिपि मोड. मतलब आप ट्राई कर सकते हो कि बच्चों को अगर कोई अंधा बालक है या प्रॉपर रूप से वो देख नहीं सकता, उसका दृष्टि नहीं है, विजुअलिटी या साइट नहीं है, तो वो क्या करे, ब्रेन लिपि का यूज़ करते हुए पढ़े. रिक्वायर्ड लॉन्गर टाइम, एक अच्छे टाइम के लिए अगर बच्चे को पढ़ना है लॉन्ग पैसेज या कोई भी चीज़, तो आप वहाँ पे ब्रेन लिपि का यूज़ करवा सकते हो. बच्चे आप ब्रेन लिपि का यूज़ करवा सकते हो वहाँ पे अंधे बालकों के लिए, कि वो ऐसे उसमें क्या होता है, ब्रेन लिपि में एक बॉक्स टाइप होता है, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स और बिंदु होते हैं जिसके माध्यम से वो फिंगरिंग को टच करके, फिंगर्स को टंग टच करके क्या करते हैं, ये चीज़ पढ़ते हैं कि अक्षर क्या होते हैं. ठीक है, उसमें क्या है, अक्षर थोड़े उभरे हुए होते हैं जिससे उनको उनकी शेप का पता चलता है जब वो उसको टच करते हैं कि आ बना हुआ है, का बना हुआ है. ठीक है, उसके द्वारा वो शब्दों को जोड़ जोड़ के पढ़ते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है डिफ़िकल्टी इन कॉम्प्रिहेंसिव फ्रॉम वर्बल कॉन्टेक्ट इंक्लूडिंग ग्राफिकल टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट लाइक लैंगिट्यूड, लैम्बिट्यूड, फिजिकल डायरेक्शन एक्सेट्रा. जो विजुअल जिनकी एबिलिटी नहीं होती है ज़्यादा, जो कमज़ोर होती है, तो उनको जो ग्राफिकल और वर्बल जो चीज ग्राफिकल चीज़ें होती हैं, जैसे आप लॉन्गिट्यूड समझाते हो, ग्राफ्स पढ़वाते हो, फिजिकली डायरेक्शन बताते हो, ये सारी चीज़ें सिखाते हो बच्चे को, तो आप ट्राई करिए कि आप उनको वर्बल ही सिखा सको ये चीज़. ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप उनका बोर्ड का यूज़ करो, चार्ट और फ्लैशेस का यूज़ करो, आप उनको वर्बल ही समझाइए ताकि बच्चे वहाँ पे उस कंडीशन में क्या है, प्रॉपर वे में सुनते हुए किसी चीज़ को समझ के आगे बढ़ सके. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्राफिक एंड विजुअल डिस्क्रिप्शन लाइक मैप रीडिंग, ग्राफ्स, डायग्राम, पेंटिंग, इंटरप्रिटेशन सिंबल्स एंड मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर्स. मतलब इसके अंदर भी जो जो ग्राफिकल चीज़ें हैं, जैसे आपके ग्राफ्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, पिक्चर्स हो गए, मैप रीडिंग हो गई, ये सारी चीज़ें भी आप बच्चों को वर्बली बताइए. आप उसको मैप और इन सब चीज़ का यूज़ जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल कीजिए. देन आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट,
poor in observing environment and space, land climate, vegetation and wildlife, distribution of resources and services. मतलब जो बच्चे इस प्रकार के होते हैं, आप ट्राई कीजिए उनको एक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट आप दे सके उनके लिए, जो एप्रोप्रिएट अगर पुअर एनवायरनमेंट होगा उनके लिए, जहाँ पे प्रॉपर क्लाइमेट नहीं होगा या फिर लैंड अवेलेबल नहीं होगा, वेजिटेशंस नहीं होंगे, वाइल्ड लाइफ प्रॉपर नहीं होगी, तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें बच्चों की विजुअलिटी को क्या है, इफ़ेक्ट करते हैं. ओके, उसके बाद poor in developing spiritual concept and understanding the relationship between spiritual concept. अब बच्चे क्या करते हैं, जो spiritual concepts होते हैं उनको नहीं समझ पाते, अपनी visual disabilities के कारण और उसके बीच के relationship को नहीं समझ पाते हैं. तो as a teacher आपको ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए करनी है कि आप बच्चों की spirituality जो है उसको increase कर सके, उनका concept बता सके, उनको meaningful बता सके और उनके बीच का संबंध स्थापित करवा सके. ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पेशल करेक्टर सिंबल्स यूज इन मैथमेटिक्स. जो स्पेशल करेक्टर्स हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, लाइक प्लस माइनस या फिर वो छोटा बड़ा का सिंबल्स होता है, या डिवाइड या एरो या ब्रैकेट क्लोज या डबल ब्रैकेट, ये सारे सिंबल्स क्या हैं, बच्चों को समझने में इश्यूज क्रिएट करते हैं. सॉरी, क्योंकि उस कंडीशन में भी बच्चों की विजुअलिटी इतनी नहीं होती है कि वो प्रॉपर वे में बोर्ड को देखकर वो सिंबल्स को समझ सके, उनकी शेप्स को समझ सके. ठीक है, देन नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्टी इन ट्रांसक्राइबिंग एंड रीडिंग मैथमेटिकल टेक्स्ट इन बर्लिन ब्रेल बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल एग्रीमेंट एंड कलर कोड्स. अब उसमें भी क्या होता है, कलर कोड आपके होते हैं, डिफ़िकल्टीज उसमें भी आती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है, तो जब आप कहीं पर ट्रैफिक में फंसे होते हैं या रेड लाइट होती है, तो वहाँ पर आपको थ्री कलर्स के सिंबल नज़र आते होंगे, एक ग्रीन लाइट होती है, एक रेड लाइट होती है, एक ऑरेंज लाइट होती है. ठीक है, उन तीनों के मतलब भी अलग अलग है, कि रेड हो रही है तो आपको रुक जाना है, ग्रीन हो रही है तो आपको चल रहा है, और ऑरेंज वाली उसमें मोड में तो आपको मूवमेंट की पोजीशन में आना है, अपना इंजन स्टार्ट कर लेना, गाड़ी स्टार्ट कर लेनी, देन जैसे ग्रीन हो आप निकल सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में भी बच्चों को वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, उनको कलर्स प्रॉपर नहीं दिखाई देते हैं या उनके मीनिंगफुल वो क्या मीनिंगफुल ना हो के उनके लिए मीनिंगलेस हो जाते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्टी इन लर्निंग ऑफ निफेक्ट ऑफ एनी अदर मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट एंड डिफ़िकल्टी इन कॉम्प्रीहेंसिव साइंस एक्सपेरिमेंट स्पेशली इन केमिस्ट्री. अब साइंस एक्सपेरिमेंट्स करने में भी बच्चों को, विजुअलिटी वाले बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि स्पेशली केमिस्ट्री में, बिकॉज जो बायो है उसको टीचर बुक्स के थ्रू पढ़ के सुना सकती है, बच्चे सुन सकते हैं, लेकिन विजुअलिटी के लिए अगर हम जब केमिस्ट्री पढ़ने लगेगा बच्चा कोई, तो आपको उसको केमिस्ट्री के टॉपिक के अंदर क्या है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे केमिस्ट्री में जो फॉर्मूलेज डेवलप करने पड़ते हैं कि CO2 प्लस ये वाली इक्वेशन तो हमारा ये वाला फॉर्मूला जनरेट होगा, वहाँ पे इक्वेशन शॉर्ट आउट करनी पड़ती है, वहाँ पे टिंडल लाइट के बारे में बता रहा है तो उसकी भी एक नई थ्योरी है, तो ये सारी चीज़ें क्या है वहाँ पे इम्पेक्ट करती हैं बच्चे की विजुअलिटी की, वो केमिस्ट्री को उसने प्रॉपर वे में नहीं समझ पाते हैं. बेसिकली जो आपके बोर्ड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे केमिस्ट्री हो गया, आपका मास हो गया, SST में मैपिंग हो गई आपकी, ये सारी चीज़ें पढ़ने में बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. तो आपको एज अ टीचर वहाँ पर आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप बच्चों को वहाँ पे या तो उससे अलग अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएं, या फिर वहाँ पे क्या है आप ऐसी बाकी अदर टेक्निक्स का यूज़ करें, जैसे आप ब्रेन लिपि और इन सब का यूज़ कर सकते हैं, कि बच्चे प्रॉपर वे में अपने आप को वहाँ पे स्टैंड करके और बाकी बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए अपनी लर्निंग करें. तो ये वाला टॉपिक था विजुअल वाला, ये वाला यहाँ पर फिनिश होता है. तो हमने इसके अंदर जो सेंसरी आपके इम्पेयरमेंट थे उसके अंदर हमने विजुअल पढ़ लिया, देन आपकी हेयरिंग एंड डेफ ब्लाइंड आएगा कि आपके हेयरिंग में क्या प्रॉब्लम होती है और डेफ ब्लाइंड में. नाउ बात करते हैं अब हेयरिंग, ठीक है,
कि जो बच्चे अब आप हेयरिंग से समझ ही रहे हैं कि जिनकी हेयर पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, सुनने में उनको बच्चों को जिनको प्रॉब्लम होती है वो होती है आपकी हेयरिंग इम्पेयर डिसेबिलिटी, जिसके अंदर बच्चों को सुनने में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हेयरिंग प्रॉब्लम में क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, हेयरिंग पावर में क्या होता है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट में क्या क्या होता है। ठीक है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट फॉल्स अंडर फिजिकल सेंसरी डिसेबिलिटी। देखिए, हम जो विजुअल पढ़ा था और हेयरिंग पढ़ा है, ये दोनों ही हमारी क्या है, सेंसरी इम्पेयरमेंट्स हैं। सेंसरी थोड़े जो हमारे बॉडी नर्व सिस्टम्स होते हैं वो इससे कनेक्टेड होते हैं, तो इसीलिए इनको सेंसरी डिसेबिलिटी भी बोला जाता है, जिसमें हमारा विजुअल और हेयरिंग एंड डेफ्थ ब्लाइंड आता है, ये तीनों। ठीक है, तो अब हेयरिंग में क्या आता है, हेयरिंग टू टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे आपके टू टाइप ऑफ विजुअलिटी बताया गया था, एक लो विज़न और एक प्रॉपर ब्लाइंडनेस, ऐसे ही हेयरिंग का भी आपको क्या है, टू टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप है इसमें डेफ। ठीक है, डेफ के अंदर क्या है, मींस पर्सन हैविंग 70 dB हेयरिंग लॉस इन स्पीच फ्रिक्वेंसली इन बोथ ईयर। अब इसके अंदर याद रखना कि 70 dB, जिस बच्चे के 70 dB की पावर होती है सुनने की, उस कंडीशन में बच्चे के दोनों कान काम करना बंद कर देते हैं, मतलब वो दोनों कानों से क्या होता है, बहरा हो जाता है, वो किसी भी कान का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपने अपनी डेली लाइफ में भी ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, कुछ बच्चे आपने ऐसे भी देखे होंगे जो जिनका एक कान खराब होता है एक ठीक होता है, वो एक से सुन सकते हैं दूसरे से बहुत माइनर कम सुन सकते हैं लाइक, लेकिन जिसके दोनों कान खराब हो जाते हैं उसका जो रेंज होता है वो 70 dB का रेंज होता है हेयरिंग लॉस का। ठीक है, इसमें आपकी हेयरिंग पावर जो होती है वो एकदम लॉस हो जाती है, हेयरिंग लॉस लिख दिया मैंने यहाँ पे, कि 70 dB वाली रेंज पर जो आपकी डेफ की प्रॉब्लम है उसमें हेयरिंग पावर जो है आपकी एकदम लॉस्ट हो जाती है। और उसके बाद इसमें सेकेंड टाइप आता है आपका हार्ड ऑफ हेयरिंग, मतलब मुश्किल से सुनना। ठीक है, इसमें सेकेंड है आपका हार्ड ऑफ हेयरिंग। हार्ड ऑफ हेयरिंग में क्या है, इसके अंदर मीन्स पर्सन हैविंग 60 dB to 70 dB, इसके अंदर बच्चे का किसी भी व्यक्ति का जो हेयरिंग पावर की रेंज है वो 60 dB से 70 dB के बीच होनी चाहिए। 60 से 70 के बीच है तो मतलब वो हार्डली सुन सकता है, लेकिन अगर 70 से कम चली गई, ऊपर चली गई, तो उसमें क्या होगा, वो मतलब उसकी हेयरिंग पावर क्या है, लॉस हो जाती है। ठीक है, इन आई स्पीच फ्रिक्वेंटली बोथ ईयर, ये मैं यहाँ पे दोनों कानों की बात कर रही हूँ, एक कान की बात नहीं कर रही हूँ। ये चीज़ याद रखना कि जो आपका डीबी वाली रेंज है वो दोनों कानों यानी कि बोथ ईयर्स को लेकर है, कि आपकी हार्डली हियरिंग में 60 to 70 dB की रेंज नॉर्मल है, और जो डेफ मतलब प्रॉपर रूप से बहरे बच्चे होते हैं उनकी 70 dB की रेंज होती है, जिसके अंदर वो हेयरिंग पावर लॉस कर देते हैं इस वाली में 70 से ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे 60 70 के बीच वाली रेंज, मतलब 61 to 69 इतनी होनी चाहिए डीबी की रेंज, तब तो आप हार्डली क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को सुन सकते हैं। लेकिन अगर 70 हो गई या 70 से ऊपर चली गई तो आप प्रॉपर हेयरिंग पावर अपनी लॉस्ट कर जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं व्हाट द कॉमन टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस। ठीक है, कि कॉमन टाइप क्या है हेयरिंग लॉस के, कॉमन टाइप इसमें भी हमारे थ्री टाइप्स डिवाइड किए हैं। थ्री टाइप्स में पहला टाइप आता है आपका कॉमन टाइप है ये। अब ये कॉमन टाइप का क्या मतलब है, कॉमन टाइप मैंने क्यों रखा है, क्योंकि देखिए ये जो डेफ्थ और हार्डली हेयरिंग वाली पावर होती है आपकी, इसमें क्या होता है, बहुत या तो कुछ बच्चे जन्म से ही बहरे पैदा होते हैं जो नहीं सुन पाते हैं,
या हार्डली सुन पाते हैं, या कुछ कंडीशन एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट उनके साथ ऐसे हो जाते हैं कि ये वाली कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कॉमन फैक्टर्स भी ऐसे होते हैं हमारी डेली लाइफ में, जैसे किसी का कान का पर्दा फट जाता है, कान की सफाई कर रहा है, सिलाई से पर्दा फट गया, या वो ईयरबड से पर्दा फट गया, वो वाली चीज़, या कान की नर्व कोई डैमेज हो जाती है, वो वाली कंडीशन जो हमारे साथ रेगुलरिटी वाली सिचुएशन में आती है, वो कैसे आती है, वो थ्री टाइप्स में आती है हमारे, जिनको हम कॉमन टाइप ऑफ हियरिंग लॉस बोलते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ, कॉमन टाइप ऑफ हियरिंग लॉस, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट आता है आपका कंडक्टिव। तो ये थ्री टाइप है आपके कॉमन टाइप ऑफ हियरिंग लॉस में। इसमें क्या है, आपका फर्स्ट आता है कंडक्टिव, सेकंड आता है सेंसरी, और थर्ड आता है मिक्स। अब इस पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो आपका कंडक्टिव आता है, उसमें है व्हेन हियरिंग लॉस इज ड्यू टू प्रॉब्लम विद द ईयर कैनल, ईयर ड्रम और मिडल ईयर एंड इट्स लिटिल बोन्स। जब इसमें क्या है, कंडक्टिव में क्या रीज़न होता है आपका हियरिंग लॉस का, जब आप सुनने की क्षमता खो देते हैं, इसमें क्या रीज़न होता है, इसमें या तो आपका ईयर कैनल डैमेज हो जाता है, ईयर ड्रम यानी कि जो आपका कान का पर्दा है वो डैमेज हो जाता है, और मिडल ईयर जिसको बोलते हैं, या फिर आपकी बोन्स डैमेज हो जाती है, कान की हड्डियाँ या नर्व डैमेज हो जाती है, ठीक है। सेकेंड आता है सेंसरी नेचुरल, इसमें क्या है, न्यूरल में सेकेंड सेंसर न्यूरल में व्हेन हियरिंग लॉस इज ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ द इनर ईयर, जब आपके इनर ईयर में यानी कि अंदर वाले पार्ट में, इनर ईयर ऑल्सो नोन एज नर्व रिलेटेड हियरिंग लॉस। सेकेंड में क्या होता है आपके सेंसरी में, जब आपका इनर ईयर डैमेज हो जाता है, यानी कि जो आपका बिल्कुल अंदर, एक होता है आउटर, बाहर वाली जो, जैसे ये कान है, ठीक है, इसकी शेप ऐसे है, जो आपका बाहर वाला पोर्शन होता है, जैसे आप सफाई करते हैं या फिर जिस चीज़ को टच करते हैं, जो आपका फर्स्ट पार्ट होता है, देन लास्ट जो होता है, जो कान की आपकी प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है ना ईयर का, वो कुछ इस टाइप से होता है। लाइक कहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। लाइक जैसे मान लीजिए ऐसे आपका, मैंने ये फॉर एग्जांपल कान का पोर्शन ले लिया, ठीक है, कि आपका कान ऐसे है, तो इसके अंदर एक ऐसे ट्यूब टाइप होता है ऐसे करके, ठीक है, देन यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं ऐसे करके, एंड यहाँ पे आपकी सारी नर्व्स होती हैं, ठीक है। इस टाइप से कुछ आपका कान का ड्रॉ होता है, तो इसमें जो इनर पोर्शन होता है आपका सेकंड में सेंसरी में, तो इनर पोर्शन होता है आपकी ये चीज़, जहाँ पे आपकी नर्वस जो आपके नर्व सिस्टम्स हैं वो होते हैं, इनर ईयर, ठीक है। तो जब आपका सेंसरी के अंदर जब इनर पोर्शन डैमेज हो जाता है, जहाँ पे आपकी नसें और ये सब होता है, तो आपकी सेंसरी उसमें एक हियरिंग लॉस का रीज़न रहता है, ठीक है। और जो आपके फर्स्ट में मैंने बताया था कंडक्टिव में, तो कंडक्टिव में क्या होता है, ये वाला पार्ट डैमेज हो जाता है, इस कॉल्ड अ मिडल ईयर, ठीक है। एंड देन आता है थर्ड मिक्स। मिक्स में क्या आता है, इज दिस टाइप ऑफ हियरिंग लॉस दे मे बी डैमेज इज द आउटर और मिडल ईयर और इनर और ऑडिटिव नर्व। मतलब मिक्स्ड वाले में आपका ये आउटर पार्ट मिडल ईयर और इनर ईयर तीनों डैमेज हो जाते हैं, जब प्रॉपर वे में किसी भी रूप में आपको बहरेपन का कारण होता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट कंडक्टिव में आपका मिडल ईयर डैमेज होता है और नर्व्स डैमेज हो जाती है, सेकंड सेंसरी में आपका इनर पार्ट और नर्व्स डैमेज हो जाती है, थर्ड में आपका ऑल ओवर अगर नर्व्स और मिडल और इनर और आउटर डैमेज होता है, तो वो आपका हियरिंग लॉस का एक रीज़न है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हियरिंग लॉस, ठीक है। जो ये हमने टाइप पढ़े हैं, तो वो हियरिंग लॉस के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है।
तो वो किन किन प्रॉब्लम्स को, किन किन करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट पॉइंट आता है डिफ़िकल्टी फॉलोइंग वर्बल डायरेक्शन. उनको डिफ़िकल्ट होती है वर्बल डायरेक्शन सुनने में, समझने में. अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन कर रहा है क्लासरूम के अंदर कि बेटा खड़े हो जाओ, बेटा इधर आओ, बेटा पीछे चले जाओ, बेटा अपनी बुक्स ओपन करो, तो बच्चा जब तक सुनेगा ही नहीं तो वो बुक्स भी ओपन नहीं करेगा, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा. तो वर्बल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है. ठीक है. सेकेंड है डिफ़िकल्टी विद दी ओरल एक्सप्रेशन. बच्चे के साथ ओरली कन्वर्सेशन करने में या ओरल एक्सप्रेशन करने में प्रॉब्लम फेस करनी होती है, क्योंकि बच्चे के द्वारा अगर आप मान लीजिए क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर रहे हो तो आपने जो पूछा वो बच्चे ने नहीं सुना, और जो बच्चे ने सुना वो आपको प्रॉपर वे में जवाब नहीं दे सकता. तो वहाँ पे क्या होगी, उस टाइप के एक्सप्रेशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, उस टाइप की प्रॉपर जो है आंसर आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट आता है डिफ़िकल्टी विद द सोशल इमोशनल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. बच्चे की जो खुद की पर्सनल लाइफ होती है वो भी इफ़ेक्ट होती है, उसकी सोशल लाइफ भी इफ़ेक्ट होती है, और उसकी इमोशनल लाइफ भी इफ़ेक्ट होती है हेयरिंग पावर लॉस होने के कारण. क्यों? क्योंकि हम जब किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, चाहे वो फ़ोन पर करें, किसी के सामने करें, टीवी समाचार पत्रों के द्वारा किसी माध्यम से करें, तो वहाँ पे भी क्या है, आपकी हियरिंग पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे कि आप किसी की बात को सुन सके, समझ सके और अपने आप को एक्सप्रेस कर सके. तो वो होता है एक बेस्ट कम्युनिकेशन या बेस्ट कन्वर्सेशन स्किल्स. ठीक है. लेकिन अगर यही चीज़ नहीं होगी, यही चीज़ लॉस हो जाएंगी, तो बच्चा अपना सोशल डेवलपमेंट भी नहीं कर सकता है, क्योंकि बाकियों के साथ वो प्रॉपर वे में इंट्रैक्ट नहीं कर सकता है. इमोशनली वीक होगा, क्योंकि उसको दूसरे की फील, मान लीजिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ, अगर मैं आपके सामने एकदम खुशी जाहिर करते हुए बोलूँ आई एम सो हैप्पी टुडे, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहे हैं, प्लस आपको सुनाई भी दे रहा है, तो आप शायद बहुत प्रॉपर वे में जज भी कर सकते हो, मुझे आंसर भी कर सकते हो. लेकिन अगर आपके साथ हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम होती है, डेफ्स की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो मैं बोल रही हूँ वो आपको सुनाई नहीं देगा, सिर्फ मेरे एक्सप्रेशन दिखाई देंगे. अभी सुनाई नहीं दिया ना, सिर्फ दिखाई दिया. तो अभी इस वाले एक्सप्रेशन को तो मैं किसी और वे में भी जज कर सकती हूँ. ज़रूरी तो नहीं ना कि मैं यही बोल रही हूँ कि आई एम सो हैप्पी टुडे, कुछ और भी बोल सकती हूँ कि तुम क्या कर रही हो, ये वो. तो इसी चीज़ में जब आपके एक्सप्रेशन प्रॉपर होते हैं लेकिन उसके साथ एक वर्डिंग और हियरिंग नहीं होती है, तो हम वहाँ पे इमोशनली थोड़े वीक हो जाते हैं, क्योंकि हम बच्चे सामने वाले के इमोशंस को प्रॉपर वे में जज नहीं कर पाते हैं. ठीक है. उसके बाद लैंग्वेज डिले, मतलब आपकी लैंग्वेज इफेक्ट करती है. जब तक आप कुछ प्रॉपर सुनोगे नहीं तो आप आंसर भी नहीं कर सकते. अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ समझा रही हूँ, कुछ पूछ रही हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियो देखी, पढ़ाई करी, तो ही तो आप मुझे आंसर करोगे. अगर मैं कुछ पूछूंगी नहीं, कुछ बात ही नहीं करोगे, तो आप भी साइलेंट रहोगे, आपको क्या ज़रूरत है. तो आपकी लैंग्वेज भी इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि जब तक आपको सामने वाले की बात नहीं समझ आएगी कि वो क्या बोल रहा है, तो आप भी ये सब चीज़ें कर दोगे. कई बार ऐसे होता है ना कि फ़ोन, जब आप फ़ोन पे अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रहे होते हो, कन्वर्सेशन कर रहे होते हो कॉल पे, तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है, नेटवर्क चले जाते हैं, नेटवर्क इशू हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होती है, वॉइस ब्रेक हो जाती है, या जो बैकग्राउंड वाली साउंड्स होती हैं वो ज़्यादा आने लगती हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, वॉइस कट जाती है, ये सारी चीज़ें. तो आप उस बात को क्या है, बीच में वो गुम हो जाती है, तो आप उसका प्रॉपर वे में क्या है, उसको आंसर नहीं कर सकते हो. फिर बोलते हो या तो हाँ हाँ ठीक है सोचेंगे. अब वो सामने वाली कही क्या सोचेंगे, मैं तो ये बोल रही थी, अच्छा यार सुनाई नहीं दिया, तेरी वॉइस ब्रेक हो गई, तो वहाँ पे आप फिर ऐसे रिएक्ट करेंगे. ठीक है. तो इसीलिए लैंग्वेज आपकी इम्पैक्ट करती है उस वे में, अगर आप प्रॉपर वे में सुन नहीं पा रहे हो तो उसी प्रॉपर वे में आप आंसर भी किसी को नहीं कर पाओगे. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑफ्टन फॉलोज एंड रियली लीड्स, मतलब आप किसी भी चीज़ में लीड नहीं कर पाओगे अपने आप को. ठीक है. इट्स हैबिट डिफ़िकल्टी इन स्पीच, आप जैसे अभी आपकी लैंग्वेज इफेक्ट कर रही है तो ऑब्वियसली बात है आपकी स्पीच भी इफेक्ट करती है.
गेट इजीली फ्रस्ट्रेटेड, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत जल्दी इजीली फ्रस्ट्रेटेड कर देती हैं, बिकॉज जब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं होगा कि आप जो चीज़ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर वे में कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। और आप एक बार सुनेंगे, आपको नहीं समझ आया, दोबारा सुनेंगे, नहीं समझ आया, तिवारा तो वो भी नहीं बोलेगा जो आपको बार बार बोल रहे हैं किसी एक बात को, कहेगा तू छोड़, तू लीव दिस पॉइंट, चल दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, बात खत्म कर, वो भी ऐसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं इस वाली सिचुएशन में। नेक्स्ट आता है लॉज ऑफ साउंड डायरेक्शनली, आप जो साउंड्स होती हैं डायरेक्शनली उनको लॉस कर देते हैं। डिफ़िकल्टी इन स्पीच, डिस्क्रिमिनेशंस अगेंस्ट बैकग्राउंड साउंड्स, आपकी जो बैकग्राउंड साउंड्स होती हैं वो भी इफेक्ट करती हैं आपके हेयरिंग पावर को। और साउंड्स और स्पीच बिकम अनक्लियर, डल एंड म्यूट। जब आपकी साउंड्स कहीं प्रॉपर वे में आपको आ रही हैं लेकिन वो आप तक पहुंचने में प्रॉपर नहीं होती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, तो उस वाली सिचुएशन में भी क्या होता है, एक बच्चे की हियरिंग पावर उसके लिए इम्पैक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद है पेन और प्रेशर इन ईयर, बच्चों के कानों में दर्द और प्रेशर वाली फीलिंग नज़र आती है हियरिंग लॉस्ट में। उसके बाद सडनली सीम्स इनएक्टिव एंड कंप्लेन्स दैट अदर वॉइस एंड साउंड टू बी लो। अब फिर लास्टली इसका क्या पॉइंट है कि बच्चे क्या है जिनकी हेयरिंग पावर के कारण, मतलब हेयरिंग पावर लॉस हो जाती है, कम होती है, तो जो इरिटेट हो जाते हैं बच्चे वो दूसरों के लिए भी कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरा ठीक है, तेरी साइड से दिक्कत हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, ये सारी सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। नाउ अब बात करते हैं इसके लास्ट पॉइंट पे जो है इसके इम्प्लीकेशंस। मैंने आपको बताया सभी चीज़ के, हम अब तक के जो भी हमने विजुअल पढ़ा है, फिजिकल पढ़ा है, पहले हमने उसकी प्रॉब्लम डिस्कस करी, टाइप डिस्कस किए, फिर उसकी करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करी, देन उस पर इम्प्लीकेशन डिस्कस किए कि आपको एज अ टीचर वहाँ पे क्या रोल प्ले करना है, क्या क्या इम्प्लीकेशंस एजुकेशन के वहाँ पे करने हैं, ठीक है। अब हियरिंग पावर में, हियरिंग लॉस के अंदर क्या क्या आपके इम्प्लीकेशंस होने चाहिए वो फटाफट सुन लीजिए, देन इस आज की वीडियो को फिनिश करते हैं इसी के साथ। तो इम्प्लीकेशंस हैं आपके, फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें प्रॉब्लम इन टेकिंग मीनिंगफुल नोट। बच्चे अपने लिए मीनिंगफुल नोट बनाने में प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो टीचर को ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए जिनकी हेयरिंग पावर लॉस है उनको, कि विजुअलिटी की चीज़ें दे, देखने वाली चीज़ दें, ताकि वो बच्चे देखकर खुद पढ़ के अपने नोट्स को रेडी कर सके। ये नहीं कि मैम खड़े होकर लेक्चर दे रही है, पॉइंट नोट करने, तो बच्चे को सुनाई ही नहीं देगा। तो आप उसके साथ साथ बच्चों को ये नोट्स भी, जो हार्ड कॉपी है वो भी प्रोवाइड करा सकते हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल होगा जो बच्चे प्रॉपर वे में क्लासरूम में नहीं सुन पाए किन्हीं रीज़न के कारण। ये सारी चीज़ें क्या हैं बच्चों के लिए प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, तो आप ट्राई करिए कि उनको हार्ड कॉपी वगैरह आप प्रोवाइड कराएं, ताकि बच्चे अपनी क्लासरूम टीचिंग को क्या है इफ़ेक्टिव बना सके। जब उनको प्रॉब्लम आएगी कि उनको किसी चीज़ में एरर आ रहा है, तो वो आपसे डायरेक्ट आके क्या है डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें पुअर एंड अनइंटेलिजिबल रीडिंग, पुअर और अनइंटेलिजिबल रीडिंग हो जाती है उनके लिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा खड़ा होके रीडिंग कर रहा है, आपने चैप्टर्स की रीडिंग करवा दी, तो उसके तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, कुछ दिमाग में ही नहीं आएगा, तो वहाँ पे वो चीज़ इफेक्ट करती है। एक और बात आप ट्राई कर सकते हैं एज अ टीचर कि जिन बच्चे की हियरिंग पावर लॉस्ट है, तो उनके लिए आप क्या करें कि कान की मशीन आती है, तो आप उनको सजेस्ट करें कि थोड़ी वो कान की मशीन यूज़ करें अपने डेफ पॉइंट के हिसाब से, जिनकी उनकी मतलब जितनी भी उनकी रेंज है, ठीक है, कि वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं उस प्रॉपर वे में। एंड थर्ड पॉइंट आता है डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग वर्बल क्वेश्चंस। जैसे हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारे क्लासरूम टीचिंग के बाद एक इवैल्यूएशन के लिए, मैंने भी अभी तक आपको पेडागोजी में जो बताया था कि इवैल्यूएशन वगैरह आप करें, तो लास्ट में आप क्या कर सकते हैं बच्चों से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप ऐसी चीज़ें सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं बच्चों को इवैल्यूएट करने के लिए, अपना ट्राई करने के लिए कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो कितना इफेक्टिव है, कितना प्रॉपर वे में है,
तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इफेक्ट करती हैं कि आपने बच्चों से क्वेश्चनिंग करी, तो जिन बच्चों की हेयरिंग पावर ओके है वो तो सुन लेंगे, आपको आंसर भी कर देंगे, लेकिन जिनकी हेयरिंग पावर लॉस्ट है वो खड़े होंगे, आपने उनसे क्वेश्चनिंग करी, आप उनको क्या है आपका क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा, आप बदतमीज़ बेवकूफ़ ना लायक बैठ जाओ कुछ नहीं आता तुमको, ऐसे करके आप उसको डिस्करेज करके क्या बिठा दोगे, तो वहाँ पर क्या उसका कॉन्फिडेंस पावर भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में भी क्या है आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्लासरूम के अंदर कितने विद्यार्थी या कितने बालक ऐसे हैं कि जिनकी हेयरिंग पावर लॉस है और आपको उनको उसी रूप में फिर टैकल करना है, बाकी बच्चों के साथ उनको टैकल नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पुअर वोकैबलरी, ऐसे बच्चों की थोड़ी वोकैबलरी पुअर होती है क्योंकि वो किसी को हम क्या करते हैं सुन समझ नहीं सकते। आपने कभी एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं अपनी डेली लाइफ में बहुत नोटिस करती हूँ, शायद आपने भी नोटिस करी हो, कि ज़रूरी नहीं कि हमें किताबी भाषाओं से ही हमें ज्ञान मिलता है और केवल जब हम किन्हीं भाषाओं किन्हीं शब्दों को पढ़ेंगे तो ही हमें वो सारी चीज़ें क्या है पता चलती है। ऐसा भी हो सकता है कि हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, दो लोग हमारे साइड में खड़े हैं ट्रेन में मेट्रो में बसेस में, और वो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो उसमें से किसी भी बच्चे ने या व्यक्ति ने बातों बातों में कोई ऐसा वर्ड बोल दिया जो आपको ना पता हो, तो आपकी क्या है वहाँ पर वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो रही है कि आपने वो सुना वर्ड उसका मतलब आपको पता चला, या आपने खुद उसको गूगल किया उसका मतलब ढूंढा, तो आपकी वोकैबुलरी में एक नया वर्ड ऐड हो गया, ठीक है। मेरे इस लेक्चर्स में हो सकता है कुछ वर्ड्स हों जो आपको ना पता हो, जैसे मान लीजिए अब यहीं पर ले लीजिए आपको ये डीबी, ये हेयरिंग लॉस में कंडक्टिव नहीं पता होगा, सेंसरी नेचुरल मिक्स नहीं पता होगा, तो इसमें क्या आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो रही है। तो जब हम कहीं पर जाते हैं कुछ नए नए शब्द सुनते हैं वाक्य सुनते हैं कुछ अलग सुनते हैं तो उसमें क्या है हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती है। लेकिन जिनकी हेयरिंग पावर अच्छी नहीं होती है या लॉस्ट होती है, जो डेफ बच्चे होते हैं उनका क्या है जो वोकैबुलरी है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम इन रिस्पॉन्डिंग और ओरल टेस्ट। अब उनको क्या है ओरल टेस्ट में प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है क्योंकि बच्चे क्वेश्चंस का आंसर ओरल वे में नहीं दे पाते हैं जिनकी हेयरिंग पावर ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। जैसे आपने साइंस में वाइवा सुना होगा, वाइवा होता है, हिंदी में कहानी कथन होता है या वाक्य ट्रांसलेशन वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे की वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है क्योंकि ओरल टेस्ट वो प्रॉपर वे में नहीं दे पाता, कई बार उसको ज़ीरो ही मार्क्स मिलते हैं, कई बार उसको अंदाजे से एक दो नंबर मिल भी जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उसकी हेयरिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो आपको ओरली सुन कर समझ कर आंसर ओरली वे में कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्टी इन फॉलोइंग वर्बल एंड ग्रुप कन्वर्सेशन। जब भी वर्बली वार्तालाप हो रहा होता है, ग्रुप कन्वर्सेशंस हो रही होती है, ग्रुप डिस्कशंस हो रहे होते हैं, तो बच्चे उसमें भी पार्ट नहीं लेते क्योंकि वो वहाँ पर भी अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाते। तो एज अ टीचर आपको ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रख कर कोई भी एक्टिविटी इन्वॉल्व करवानी है, ओके। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड फिंगर आउट लैंग्वेज लाइक सिमिलर्स स्माइलीज मेटाफोरेंस एंड आइडिज्म। इसमें क्या होता है कि जो भी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है उसको ऑब्जर्व करने में या उसको समझने में बच्चे थोड़ा प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब हम अपने टीचिंग में क्या करते हैं, हम दो टाइप से कराते हैं, एक कॉन्क्रीट और एक अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के टाइप से। अब कॉन्क्रीट में क्या होता है, कोई भी चीज़ और वस्तु उसके सामने उपस्थित होती है। अगर मैं कोई भी वस्तु या चीज़ बच्चे को दिखा रही हूँ तो अगर वो सुन भी नहीं पा रहा है ना, तो उसको देख देख के थोड़ा ऑब्जर्व कर लेगा, माना 100% नहीं कर सकता, लेकिन किसी वस्तु को अपने सामने देखकर उसकी 50% तो चीज़ें सीख ही सकता है ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने को बोलूँ, फॉर एग्जांपल ताजमहल ऐसा है वैसा है आपने देखा है, तो जिन्होंने सुना वो तो इमेजिन करने लगेंगे, समझने भी लगेंगे। लेकिन जैसे ये ही नहीं सुना कि ताजमहल इमेजिनेशन करने के लिए बोला गया है या अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करनी है उसके बारे में, तो बच्चे वहाँ पे क्या है लर्निंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो हमारी टीचिंग के दो वे हैं, कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वो इफेक्ट करती है आपकी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हमारी हियरिंग पावर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका
problem in reading and learning spellings because of difficulty in phonemic awareness and speech sound dyslemmatics. अब मैंने आपको बताया कि कभी भी कहीं भी हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे वर्बली हम कुछ न्यू वर्ड्स सुनते हैं, सेंटेंसेस सुनते हैं जिनके हमें मतलब नहीं पता होते, जो वर्ड्स हमने कभी सुने नहीं होते, तो हमारी क्या है वोकैबुलरी इंक्रीज होती है. तो इसी वे में जब बच्चा रीडिंग करता है या लर्निंग स्पेलिंग्स पढ़ता है तो वहाँ पर भी बच्चे को प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है क्योंकि वो प्रॉपर वे में स्पेलिंग भी नहीं सुन सकता है. जैसे मान लीजिए डिक्टेशन हम हमेशा यूज़ करते हैं छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए उनकी स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए या जो भी मैंने वर्ड बोला. तो बच्चे क्या है, शायद कुछ नॉर्मल चाइल्ड होते हैं कि एक बार उसने ठीक नहीं सुना तो दूसरी जो हार्डली हेयरिंग वाले बच्चे होते हैं, आपने एक बार बोला दो बार बोला उसने आधा अधूरा सा कुछ सुन लिया तो स्पेलिंग वही आ दिया अधूरी से लिख दी, ठीक है, तो वो चीज़ भी इफेक्ट करती है. लास्ट पॉइंट आता है इसका चैलेंजिंग इन ऑर्गेनाइज एंड कंपोजिंग आइडियाज़, कि जो कंपोजिंग आइडियाज़ हैं और चैलेंजेस हैं वो प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं बच्चे को, क्योंकि उस वे में भी क्या है बच्चा वहाँ पे अपनी जो हेयरिंग पावर लॉस्ट है उसको प्रॉपर वे में नहीं रख पाता है. तो ठीक है, एज अ टीचर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहाँ पे कि जो जो समस्याएं बच्चे फेस कर रहे हैं, आपके क्लासरूम के अंदर कितने बच्चे सेंसरी डिसेबिलिटीज से जूझ रहे हैं, कितने फिजिकली, कितने स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटीज से, तो उनको फाइंड आउट करना है, उनकी प्रॉब्लम सुननी है, देन उनको वैसा ही ट्रीट करना है. अगर क्लास में 50 बच्चों में से 4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हियरिंग पावर अच्छी नहीं है, कान की मशीन यूज़ करते हैं, तो आपको उनके लिए ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है या ऐसी टेक्निक्स यूज़ करनी है ताकि आप जो बाकी बच्चों के लिए अपनी टीचिंग करवा रहे हैं वो भी उतनी ही प्रॉपर वे में इफेक्टिंग और अच्छे तरीके से आप उन बच्चों के लिए भी करवा सकें, ठीक है. तो ये वाला टॉपिक के अंदर हमने विजुअल और हियरिंग दोनों पढ़ लिए. आपका लास्ट रह गया डेफ्थ एंड ब्लाइंड, ये नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम करेंगे. और उसके बाद आपका लास्ट रह जाएगा स्पीच एंड लैंग्वेज, ठीक है, आपके डिसेबिलिटीज से रिलेटेड. तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ये वाली जो आपका डिसेबिलिटीज़ वाला है इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी इसकी, ठीक है. तो आज की क्लास के साथ फिनिश आउट करते हैं यहीं पर. थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से फॉर KVS की प्रिपरेशन के लिए. और जो भी KVS से रिलेटेड कंप्यूटर साइंस का सिलेबस ख़रीदना चाहते हैं टेक्निकली, तो वो हमारे यहाँ पे वीडियोस में जो डिस्क्रिप्शन में